द यूनिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मायरा बट आपके साथ। आर्टिकल 370 को लेकर विपक्ष द्वारा जो है लगातार ये कहा जा रहा था कि इसे जो है गैर कानूनी तरीके से हटाया गया है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी की सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ जो है सामने निकल कर आ रही है। अभी 11:30 के करीब जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला जो है सुनाया गया है कि आर्टिकल 370 को जो है अवैध तरीके से जो है वो हटाया नहीं गया है। जी हाँ, आपको बता दूं मैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 को हटाने को लेकर जो है साफ कर दिया है कि ऐसे हालात बन गए थे जिस वजह से जो है आर्टिकल 370 को हटाया गया है। आपको मैं साथ ही बता दूं कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम ये मानते हैं कि आर्टिकल 370 को जो है वो टेम्परेरी प्रोविजन था। आपको मैं साथ में ये भी बता दूं कि जो है इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया गया है 24 है तब तक जो है इलेक्शंस करवाए जाएंगे। जी हाँ, आपको मैं बता दूं कि 30 सितंबर 2024 तक जो है जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस करवाए जाएंगे। आपको मैं बता दूं द यूनिक न्यूज़ की तरफ से ये बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है आप तक पहुंचा रही हूं कि आर्टिकल 370 को लेकर जो है ये बड़ा फैसला सामने आया है। आप सबकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।